डोनाल्ड ट्रंप पर महज 20 साल के नौजवान ने हमला किया था। वो तो गनीमत रही कि गोली ट्रंप के कान में लगी, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। हालांकि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने आरोपी का वही खात्मा कर दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं उसके पास से पुलिस को कौन सी राइफल मिली है, किस राइफल से उसने ट्रंप को गोली मारी और वो कितनी ताकतवर है। जानकारी के मुताबिक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमलावर ने AR-15 स्टाइल राइफल से हमला किया था। यहाँ पर AR का मतलब है आर्मा लाइट। ये एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल है जो कि अमेरिकी नागरिकों के बीच काफी पॉपुलर है। सेमी ऑटोमेटिक होने के बावजूद इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिक की तरह किया जाता है। इस राइफल का पुराना वर्जन 1956 में बना था, तब से इसे बनाया जा रहा है। AR-15 स्टाइल राइफल का डिजाइन कोल्ड AR-15 से मेल खाता है। कुछ देशों की सेनाएं भी इस राइफल का इस्तेमाल करती है। इस राइफल की बैरल 16 इंच से कम है, इसमें शोल्डर स्पॉट नहीं होता, लेकिन लंबी दूरी की शूटिंग के लिए इसमें कुछ कंपनियां शोल्डर स्पॉट भी देती है। अब इसमें दो तरह के शोल्डर स्पॉट लगते हैं, फोल्डिंग वाले और नॉन फोल्डिंग वाले। इसके अलग अलग वेरिएंट्स का फायदा ये है कि इसे बाएं और दाएं दोनों हाथ के लोग चला सकते हैं। बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में जानलेवा हमला किया गया है। ये हमला उस वक्त हुआ जब वो मंच पर खड़े होकर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। अब इसी हमले का दुनिया भर में जिक्र हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं, सबसे ताकतवर देश में इतने बड़े नेता की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई?